ओटो रेस्टोरेंट में समान थाने की पुलिस का छापा। पुलिस को 4-5 हुक्का सहित तंबाकू के कई फ्लेवर मिले हैं जो हुक्का बार में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही अवैध रूप से बियर भी परोसी जा रही थी। रेस्टोरेंट संचालक सहित 10 अलग अलग लोगों पर होगी कार्यवाही। ओटो रेस्टोरेंट में समान थाने की पुलिस का छापा। पुलिस को 4-5 हुक्का बार सहित तंबाकू के कई फ्लेवर मिले हैं जो हुक्का बार में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही अवैध रूप से बियर भी परोसी जा रही मिली है। रेस्टोरेंट संचालक सहित पुलिस 10 लोगों पर कार्रवाई करने की कर रही तैयारी। रीवा के बड़ा मोहल्ले में संचालित ओटू रेस्टोरेंट में सामान थाने की पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां पर 10 लोग सहित रेस्टोरेंट संचालक भी मौजूद थे। वो 10 के 10 लोग हुक्का बार का सेवन कर रहे थे, अवैध रूप से बियर भी पी रहे थे। पुलिस को काफी समय से इस रेस्टोरेंट में हुक्का बार चलाने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने अपने मुखबिर का जाल फैलाया। पुख्ता जानकारी के बाद समान पुलिस थाने की टीम ने इलाके के ओटू रेस्टोरेंट में छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान काफी तादाद में वहां पर लड़के नजर आए जो वहां पर बैठकर हुक्का बार का सेवन कर रहे थे। पुलिस को हुक्का बार के कई फ्लेवर यहां पर बरामद करने में सफलता मिली। वहीं खाने की मेज पर बियर की बोतलें भी मिली हैं, जबकि रेस्टोरेंट में इन तीनों चीजों का बगैर सरकार की परमिशन के इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहां पर यह चीजें काफी दिनों से इस्तेमाल की जा रही थी, जिसके चलते आजकल के नौजवान का इलाके में मेला सा रहता है। सामान पुलिस को कार्रवाई के दौरान 4 या 5 हुक्का बार मिले हैं, साथ ही तंबाकू के कई फ्लेवर भी पुलिस को मिले जो कि हुक्का पीने में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही नहीं, आपको स्क्रीन पर साफ तौर से दिखाई दे रहा होगा जहां पर लड़के बैठे हुए हैं उस जगह पर टेबल पर बियर की कई बोतलें भी नजर आ रही हैं। खुलेआम हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। यही नहीं, अवैध रूप से यहां पर शराब भी परोसी जा रही है। सामान पुलिस कार्रवाई के बाद सामान की बरामदगी के बाद 10 लोगों सहित रेस्टोरेंट संचालक पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। इधर काफी दिनों से देखा जा रहा है रीवा शहर में इस तरीके के कई रेस्टोरेंट खुल गए। अभी कुछ दिन पूर्व ही रीवा की सिविल लाइन पुलिस ने अपने इलाके में एक हुक्का बार पर छापा मारा था। वहां पर भी हुक्का बार सहित काफी लोग मिले थे। माना जा सकता है रीवा में जिस तरीके से रेस्टोरेंट की बाढ़ आई है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में इस तरीके के अवैध काम हो रहे हैं। ये अलग बात है, पुलिस की नज़र अभी उन तक नहीं पहुंची, लेकिन पुलिस को जब सूचना मिलती है, जानकारी पुख्ता करने के बाद पुलिस कार्रवाई करती है, जैसा कि ओटू रेस्टोरेंट के मामले में देखने में नजर आया। यहां पर पुलिस ने पुख्ता जानकारी के बाद जब कार्रवाई की तो 10 लड़के अवैध रूप से हुक्का बार का सेवन करते, साथ ही बियर पीते नजर आए। साथ ही पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक पर कार्रवाई करने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने सामान थाना के TI सुनील गुप्ता से बात की तो उन्होंने हमें क्या कुछ जानकारी दी, आप भी सुनिए। ओटू रेस्टोरेंट में हुक्का बार संचालित था, ऐसी जानकारी मिलने पर दबिश दी गई। वहां से हुक्का और हुक्का का सेवन करने वाले जिसमें तंबाकू युक्त फ्लेवर यूज किया जा रहा था, अवैध रूप से हुक्का बार संचालित था, होटल संचालक और उसका सेवन करने वाले उन पर कार्रवाई की जा रही है। कितने हुक्का बार वाले? हुक्का 4-5 की संख्या में है और उससे जो फ्लेवर तंबाकू युक्त फ्लेवर वो मटेरियल मिला है उसे भी जब्त किया गया है। 10 की संख्या में है फ्लेवर, इसमें तंबाकू युक्त फ्लेवर हैं, कई प्रकार के हैं अलग अलग। ये तो बीच बीच में चेक किया गया नहीं मिला, लेकिन आज दबिश दी गई और ये संचालन होता पाया गया जिस पर कार्रवाई हुई है।